नमस्कार, आज हम बनाएंगे गट्टे की सब्जी। बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी बनेगी सब्जी और टेस्टी इतनी बनेगी कि सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। ये आधा कप बेसन ले लिया है हमने। इसमें डालेंगे हम चौथाई छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर और ये एक पिंच बेकिंग सोडा, एक छोटी चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिला लेंगे और ये दो टेबलस्पून से थोड़ा सा कम पानी और डो बनाते हैं। ये बेसन हमारा डो फॉर्म में आ गया। हाथ पर थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से स्मूथ बनाते हैं। देखिए एकदम स्मूथ डो बन गया। इसका इस तरीके से रोल बना लेते हैं। इस रोल से हम छोटे छोटे गट्टे काट लेते हैं और हम ये सादा गट्टे बना रहे हैं। आप इस डो में थोड़ी सी मेथी डाल सकते हैं या चौलाई के पत्ते डाल सकते हैं तो फ्लेवर्ड गट्टे भी बना सकते हैं। इनको थोड़ा सा गोल कर देते हैं। गट्टे तैयार हो गए। कुकर गरम कर लेंगे और इसमें दो टेबलस्पून तेल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। आधा पिंच हींग, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को हल्का सा भूनेंगे। ये तीन छोटे साइज के टमाटर ले लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। और ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले पर तेल नहीं तैरने लगता। ये इधर हमारा मसाला भुन रहा है। ग्रेवी में डालने के लिए हमने ये लिया है एक चौथाई कप दही। इसको हमने फैट कर ले लिया है। ये एक छोटी चम्मच बेसन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहे। आप दही फेंट रहे हैं उसी समय एक चम्मच बेसन डाल दीजिए और फेंट लीजिए। मैंने आपको दिखाने की वजह से इसको अलग रखा था। ये दही और बेसन का पेस्ट बनकर तैयार हो गया। मसाले को चलाते हुए भूनेंगे। अभी मसाले से तेल निकलने लगा है, मसाला भून चुका है। अब ये बेसन का पेस्ट हमें इस मसाले में मिलाना है तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप पानी और मिक्स कर रहे हैं। और ये घोल हम मसाले में डालेंगे और चलाते जाएंगे। फ्लेम तेज कर देते हैं और आधा कप पानी और चौथाई कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी तो अपनी पसंद से थोड़ी सी पतली या थोड़ी सी गाढ़ी रखी जा सकती है। इसे हमें तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि इस ग्रेवी में अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता। लोग अक्सर बोलते हैं कि दही फट गया। अगर हम इसे चलाना छोड़ दें तो दही फट जाएगा और लगातार चलाते रहें जब तक कि अच्छे तरीके से उबाल नहीं आ जाता, दही बिल्कुल नहीं फटेगा। बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। ग्रेवी में उबाल आ गया है। इसमें हम तीन चौथाई छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। ट्रेडिशनल गट्टा करी में पहले गट्टे उबालते हैं,
इसके बाद करी बनाकर फिर गट्टे डालकर बनाते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन हम इस ग्रेवी में डायरेक्ट गट्टे डालेंगे, लेकिन एक एक करके, जिससे हमारी ग्रेवी में उबाल बना रहे। अब हम कुकर को बंद करते हैं और एक सीटी आने तक सब्जी को पकने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे और सब्जी को 5 मिनट धीमी गैस पर कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए, फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया, गट्टे के साइज़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट गट्टे बने हैं। अब हम सबसे बाद में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया, मिला देते हैं। गरम मसाला और हरा धनिया सब्जी में बाद में डालते हैं ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। और अब सब्जी को निकाल लेते हैं प्याले में। कुकर में बनी गट्टे की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। सब्जी को आप चपाती, पराठे या राइस किसी के भी साथ सर्व कर दीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और इतनी सब्जी परिवार के 4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे बनाना बहुत आसान है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।